मंगलवार को कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के काफिले को बजरंग दल के लोगों द्वारा रोकने और सुरक्षा कर्मी से धक्का मुक्की करने वाले बजरंग दल के युवाओं पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए भिलाई 3 थाना का घेराव करने का ऐलान किया गया था, जिसके तहत आज भिलाई 3 के सिरसा गेट में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा, चरोदा भिलाई और दुर्ग निगम के महापौर शामिल थे। वही भिलाई 3 थाने में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इस धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज भी कर दिया। वहीं प्रदर्शन में जामुल थाना के टीआई कपिल पांडे घायल हो गए। लाठीचार्ज के दौरान टीआई कपिल पांडे के नाक पर चोटें आई है। भिलाई 3 में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को गहरी चोटें पहुंची है। दुर्ग पुलिस का आरोप है कि इन लोगों ने पहले पुलिस पर हमला किया, जिसमें थानेदार को चोटें पहुंची है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पुलिस ने पहले पिटाई शुरू की थी। दरअसल दो दिन पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के काफिले को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा रोक दिया गया था। भूपेश बघेल का आरोप था कि उन लोगों ने गाली गलौज की और हमारे सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की। ये पूरा मामला थाना भिलाई 3 का था। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक भिलाई 3 थाना पहुंच गए थे। थाने में दोनों पक्षों में जमकर बवाल हुआ। वहीं काफिला रोकने की घटना को लेकर कांग्रेस भिलाई 3 में प्रदर्शन कर रही थी। इस दौरान प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया। कांग्रेसी सिरसा गेट पर जमा होकर भिलाई 3 थाने को घेरने जा ही रहे थे कि तभी पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस के अनुसार इन लोगों ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। रोकने पर झड़प शुरू हो गई और पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो उस विरोध प्रदर्शन में बेरहमी से मारा गया है, लाठी चार्ज किया गया है। मैंने अपने जीवन में ऐसे नहीं देखा था कि 16 साल में जाते ही पहले कुछ नहीं, आए न ताए साए साए पिटाई किया गया। हम लोग का काम में कोई साए साए नहीं है, मारपीट और गुंडागर्दी का राज बन गया है। 8 महीने में काम का कोई चीज नहीं है, मारपीट ऐसे किया जा रहा है कि जैसे हम लोग को गुंडा को मारा जा रहा है वैसे मारा जा रहा है। मगर सरकार आते जाते रहती है, याद कर ले, सरकार के दम में ऐसे पावर में नहीं दिखाना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया अपनाना चाहिए। मगर हम लोग को बेरहमी से दौड़ा दौड़ा कर गली में मारा गया है, गिरने के बाद भी मारा गया है। ये स्थिति हो गया है, बहुत ऐसे लग रहा निंदनीय है। आगे इतना दिक्कत स्थिति है। कांग्रेस पार्टी को जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के काफिला को जिस प्रकार से रोक कर उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो हुज्जतबाजी की थी, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। और पुलिस प्रशासन से जब बात हुई तो आज मुझे जानकारी मिली है कि इसमें उन लोगों ने कार्यवाही 3 धाराओं के तहत कार्यवाही की है। हमारा आज का ये मांग है कि चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा काफ़ी संवेदनशील होती है और जेड कैटेगरी की सुरक्षा है, हम चाहते हैं कि अन्य धाराओं के तहत जो हम लोग आज मांग के उन धाराओं के तहत भी उनके ऊपर अपराध दर्ज करें। क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो भारत देश के जनप्रतिनिधि, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। और इस तरीके से बिना पूर्व कोई सूचना के एक पूर्व मुख्यमंत्री जी के काफिलों को रोका जाना, उनके गाड़ी के साथ धुक्का मुक्की करना, उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ धुक्का मुक्की करना, निश्चित रूप से ये नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ एक शांत प्रिय इस राज्य है और शांत प्रिय राज्य में इस तरह से माहौल हो, ये राजनीति फिजा में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मनमुटाव जग जाहिर है। देखना होगा मामले में किस तरह का रुख इख्तियार किया जाता है। बहरहाल इस मौके पर कांग्रेस के आला नेता सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे। सभी ने एकजुटता का परिचय देते हुए पार्टी के लिए दमखम से खड़े होकर दिखाया। ACN न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।